हेलो फ्रेंड्स। तो चलो मैंने क्या ट्रेड बनाया और इसमें क्या गलती या सही किया वो बताता हूँ। तो ये जो ट्रेड है आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये ट्रेड को बाई किया था लगभग ये टाइम के आसपास 9:43 के आसपास, ठीक है। तो ये पर मैंने बाई किया था, तो पूरा लॉजिक बताता हूँ और मैंने कहाँ पे एग्जिट किया, प्रॉफिट या लॉस हुआ क्या, पूरा डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा एनालिसिस पहले मैं कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 15 मिनट पर एनालिसिस करता हूँ, वो पूरा पहले से बता देता हूँ। तो 15 मिनट पर मैंने यहाँ पे आ गया बैंक निफ्टी के अंदर, और यहाँ पे आप पूरा चार्ट देख लो, मैं लास्ट 4 दिन का एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ पे देख लो ये 4 दिन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ब्लैंक कैनवास में आ जाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हायर हाई पे, हायर पे मार्केट जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अनस्टेबल वेव है, मतलब कुछ रिट्रेसमेंट नहीं है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया वो भी टाइम वाइज रिट्रेसमेंट, फिर मोमेंटम और ये जो करेक्शन आया था वो प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट आया था। लेकिन इस पर दो चीज़ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लो ये जो हायर हाई पे आ रहा था ना, तो ये जो रिट्रेसमेंट पे दो चीज़ होता है कि अगर हो सकता है दोनों का कुछ जो बायर थे वो यहाँ पे निकल गए होंगे या यहाँ पे कुछ बायर आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ फॉल्ट किया था, यहाँ पे ऑलमोस्ट स्पाइक मार के ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, जैसे इसका एग्जिट हुआ है कुछ लोग का और कुछ लोग एंट्री भी हुए होंगे बाय साइड, ठीक है। मतलब बाय साइड जो प्रॉफिट में थे वो बुक किए होंगे या नया बायर आए होंगे। तो इसके पीछे और एक चीज़ कारण भी है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो सपोर्ट के ऊपर आके यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के आसपास कुछ बना रहा था, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है इसके ऊपर, तो अच्छे से देख लो यहाँ पे क्या क्या हो रहा था। तो ये जो है अभी आप थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये सपोर्ट है, सपोर्ट जैसे आप देखोगे ना ये चीज़ को, तो यहाँ पे हाई पे जा रहा था, तो यहाँ पे अनस्टेबल ऐसे भी था, तो जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा, मतलब कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा किसी को ना, क्योंकि अगर यहाँ पे देखे तो कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह जैसे कुछ आ रहा था, तो किसी का जो प्रॉफिट हुआ होगा या तो उन लोगों ने बुकिंग कर लिया या तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, ठीक है। तो इतना तो अभी समझ में आ रहा है कि यहाँ इसके ऊपर कुछ बायर नहीं है, हो सकता है तो यहाँ पे कुछ बायर एंट्री होंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ सेलर आ सकता है, लेकिन सेलर आने के लिए भी ये लोगों को क्रॉस करना चाहिए था, ठीक है। तो इसके नीचे आएंगे थोड़ा बहुत इतने आए होंगे, तो जैसे यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट पे सेलर आए होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर कुछ सेलर आए होंगे तो उसको डायरेक्टली ये जो ब्रेकआउट था ये निकल दिया होगा, ठीक है। फिर कुछ सेलर आए होंगे तो ये जो ब्रेकआउट था निकल दिया होगा, ठीक है। लेकिन एक ही चीज़ यहाँ पे बायर रह गए होंगे कि ये जो बायर है ना डायरेक्टली डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर जो बायर है, देखो यहाँ पे ये जो है ना ये वाला वायर ये यहाँ पे रह गए होंगे, ठीक है। और खास कुछ जो है खास प्रॉफिट भी नहीं हुआ होगा, देखो यहाँ पे कुछ ये जो ब्रेकआउट था ना इसके ऊपर जस्ट सस्टेन ही किया होगा। तो ये तो देख के समझ आ रहा था कि उसके नीचे सेलर का एसएल है, हो सकता है सॉरी बायर का एसएल है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ढूंढना था मेरे को सेलर का एसएल, तो सेलर का एसएल यहाँ पे एक ही चीज़ मिल सकता है कि हाँ ये जो मोमेंटम आया है कुछ कुछ जगह कुछ ने सेल किया हो किसी ने, तो 51,000 के ऊपर उनका एसएल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर उनका एसएल हो सकता है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे दो भी होता, पहले भी होता अगर इसके आसपास ओपन होता है तो डायरेक्टली ये जो वायर है इसको मैं टारगेट करूंगा सेलिंग के लिए। अगर इसके ऊपर ओपन होता है ये जो लेवल है, ये लेवल कुछ साइकिल का नंबर है, जैसे कि आप देख लो थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। अगर किसी ने इसके आसपास बाई किया होगा तो देखो यहाँ पे 1:1:2 के साथ इसका प्रॉफिट हुआ होगा, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ होगा ना। अगर इसी ने यहाँ पे बाई कर लिया होगा तो यहाँ पे ओपन होगा तो मार्केट आराम से उन लोग का प्रॉफिट हो गया होगा, तो मैं तभी उनको ट्रेड कर सकता हूँ अगर उनका प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। लेकिन आए तो गैपा भी ओपन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले सोच रहा था कि अगर मैं इसको टारगेट करना चाहूँगा तो थोड़ा सा नीचे आने देता हूँ, तो इसीलिए इनको मतलब तभी मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं बाई पे ध्यान दूंगा, ठीक है। तो चलो मैं 1 मिनट पे जाता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ क्या ट्रेड मैंने लिया हो। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा गैप अप हुआ होगा और होने के बाद डायरेक्टली जो रेजिस्टेंस था, मतलब जो प्रॉफिट लाइन को कह सकते हो उससे रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन मैं यहाँ पे सेल नहीं कर सकता क्योंकि इतना गैप अप होने के बाद अगर सेल करूँगा तो इनको टारगेट नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत इनका वार्निंग मतलब जो प्रॉफिट है उनको निकालने के लिए नीचे आ सकता है, तो इतना होगा यहाँ से मैं सेल करता तो इतने के आसपास ही आता, ठीक है। वो भी उसके अंदर बीच में क्लोजिंग आ जाता, तो इस पर मैं तभी क्लोज कर मतलब बाइक सॉरी सेल कर सकता था अगर ऐसे कुछ होता, ठीक है। डबल बटन देखे किसने अगर फ्रेश बायर आए होंगे आए होते हैं तो यहाँ पे मैं सेल करता इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए, इसके आसपास मैं सेल कर लेता ये जो रेजिस्टेंस लाइन था और यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लेता, तो ये तो नहीं हुआ है। तो और एक चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ओपन ऊपर जाने के बाद बाई करूँगा, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो ऐसे ये जो बायर था ऐसे भी प्रॉफिट में थे, और अगर रेंडम ने किसी ने बाई किया होगा इसके आसपास तो ये भी यहाँ पे प्रॉफिट में आ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं बाई नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पे मैं बाई करता तो प्रॉफिट मतलब वो रिस्क रिवॉर्ड ने मेरा मैच नहीं होता। दूसरी बात है 51,000 का लेवल भी था और साथ में ये जो स्विंग हाई था, तो ये ब्रेकआउट होने के बाद ही मैं प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट होता, तो मैंने क्या सोचा कि ऊपर जाने देता हूँ जब जितना जा रहा है, उसके बाद जब रिट्रेसमेंट आएगी सपोर्ट के आसपास तो मैं बाई करूँगा।
जो ये जो बाय हुआ तो ठीक है मैंने छोड़ दिया, लेकिन ये जो रिप्लेसमेंट आया था मैं सोच रहा था इसके आसपास बाय करूँगा, लेकिन यहाँ पे बाय करने के रीजन और एक था। जैसे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे जो निफ्टी था ना, देखो इसके आसपास ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के आसपास ये होल्ड कर रहा था, ठीक है। तो अगर ये नीचे आता तो ठीक ठाक ही था, लेकिन तब तो ऐसे भी लॉस हो जाता, एंट्री नहीं कर पाता। तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे होल्ड थोड़ा बहुत भी कर लेता तो यहाँ पे बैंक निफ्टी और ही ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली एंट्री कर लिया, और स्टॉप लॉस इसके आसपास जो 80,000 सॉरी 50,800 के लेवल था, इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा था, ठीक है। तो ये जो लो था इसके आसपास, तो यहाँ पे नीचे आ रहा था, और डायरेक्टली एंट्री होने के बाद ही मेरे को अच्छा खासा लॉस दिख रहा है। मैं आपको ऑप्शन चार्ट में वो दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो एंट्री था ऑलमोस्ट, कॉल का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो 943 के आसपास ये जो लेवल था, इस पे मैंने बाई कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इतना खासा लॉस दिखा रहा था, लेकिन जो लॉस लिमिट था वो अभी भी एक्सेल नहीं हुआ था। और एक चीज़ यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा था, यहाँ पे देखो ये तो सेलिंग आ रहा था, लेकिन ये ऑलमोस्ट डे लो के आसपास आ गया था, ठीक है, और डे लो क्रॉस भी कर दिया था। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि यहाँ पर डायरेक्टली ये नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्राइस एक्शन हो रहा है ना, ऐसे नहीं आ सकता, क्योंकि क्लोजिंग का सपोर्ट तब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये अगर तभी नीचे आता अगर ऐसे कुछ होता, हायर हाई जैसा कुछ ऐसा होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग का देखिए कुछ सपोर्ट पे कुछ बाई कर लिए होते, तो यहाँ पर डबल पैटर्न पे कुछ बाई कर रहे होते तो नीचे आता, लेकिन ऐसे डायरेक्टली प्राइस एक्शन पे नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। तो मैंने इसीलिए पोजीशन को होल्ड कर लिया, और ऐसे भी मेरा लॉस जो लिमिट था उसके आसपास भी नहीं आया था मार्केट, तो मैंने होल्ड कर लिया। तो थोड़ा बहुत उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन था उसके ऊपर एग्जैक्ट सपोर्ट लेने लगा, ठीक है। तो ठीक था तब तक, तो ठीक था, लेकिन जब यहाँ पे जो अप मोमेंट आया, लगभग मेरा एग्जिट टाइम 12 बजे के आसपास होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 12 बजे के आसपास हो गया था, और यहाँ पे स्पाइक आ गया था। मैंने सोचा यहाँ पे एग्जिट कर दूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आया तो तब लग रहा था कि और एक अगर स्पाइक आएगा तो एग्जिट कर दूँगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली एग्जिट भी कर सकता था, क्योंकि सेम टाइम पे अपना निफ्टी के पे भी ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया था, ठीक है। तो जब ऊपर गया और रिट्रेसमेंट आया, मेरा टाइम एग्जिट होने के बाद जो 12 बजे के ऑलमोस्ट टाइम हो गया, तो मैंने डायरेक्टली एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो गलती किया होगा, एक ही चीज़ हो सकता है कि मैं थोड़ा अगर नीचे आता तो इसके आसपास मिलता तो शायद मेरा यहाँ पे प्रॉफिट में बुक करता। अभी ये जो मैंने बुक किया था ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में, क्योंकि ऑप्शन में जो है थोड़ा प्रॉफिट भी दिख रहा था। जैसे ये जो ऑप्शन चेक का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये देखो अब मैंने यहाँ पे बाई किया था ऑलमोस्ट एक कैंडल में सरीज में, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी दिख रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि तो जो फ्लो में निकल रहा था, जैसे कि मेरा रेजिस्टेंस लेवल आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे तो पहले रेजिस्टेंस लेवल थे, लेकिन नॉर्मली इनका जो स्टॉप लॉस है ना 51,000, में किसी ने अगर सेल किया होगा तो 51,200 के आसपास इनका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो इतना तक मैं टारगेट आराम से कर सकता था, तो इसलिए मैंने होल्ड किया था। बाकी आप अभी भी टाइम है कि ऊपर जा सकता है, ठीक है, अभी भी 200 पॉइंट के आसपास निकल सकता है, लेकिन मेरा तो टाइम एग्जिट हो गया ना, और उस समय ऑप्शन बाय करता, अगर सेल करता तो होल्ड कर भी लेता शायद। तो यहाँ पे एग्जिट किया, मैंने से एक ही चीज़ हो सकता है कि मैंने यहाँ पे इसके आसपास अगर बाई करता तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में बुक करता। बाकी ऐसे भी नॉर्मल मार्केट पूरा साइड बेस ही है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं कर सकता। बाकी सेलिंग तो नहीं कर सकता, सेलिंग तभी हो सकता था अगर डायरेक्टली प्राइस ओपन थोड़ा नीचे होता और यहाँ पे डायरेक्टली बायर को इन्वाइट करता, ठीक है, तो मैं सेलिंग कर सकता था और बाई कर सकता था, अच्छा खासा और एक पोजीशन हो सकता था। अगर फ्लैट ये थोड़ा सा गैप डाउन होता तो रेजिस्टेंस लेता यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली बाई कर सकता था, लेकिन ये गड़बड़ हो गया कि बीच में खुल गया ना ऊपर में, 51,000 का सेलिंग साइकोलॉजी एक्टिवेट हो रहा था यहाँ पे, बाइंग साइकोलॉजी, तो बीच में अटक गया पूरा मार्केट, ठीक है। तो देखते हैं कि फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, अभी तो आज का मार्केट ब्रेक इवन में ही निकल गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।